अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ऐप लेके आया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिन टू विन। तो ये ऐप जो है इससे आपने अर्निंग किस तरह से करनी है वो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप जो है वो 1000 से 1200 तक जो है वो ईजिली आप कमा सकते हैं, अपनी ईदी बना सकते हैं आप जो है, ठीक है। तो आपने इससे अर्निंग किस तरह से करनी है, विड्रॉल किस तरह से लगाना है वो सारा तरीका मैं आपको बताऊँगा। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि आपने इस ऐप को इंस्टॉल कहाँ से करना है, ठीक है। सारा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आपने वीडियो कहीं पर स्किप नहीं करना, आपने वीडियो के साथ बने रहना है ताकि आपको जो है वो पूरी पूरी समझ में आ सके और आप कोई पॉइंट जो है वो मिस ना कर सकें। तो यहाँ पे आप जैसे इस ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे ऊपर आपको स्पिन टू विन लिखा हुआ नजर आ रहा है, नीचे आपको यहाँ पे जो है वो तीन जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, चार ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं जिससे आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे माई वॉलेट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ पे जो है वो आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले तरीका जो है यहाँ पे स्पिन का ऐप पड़ा, तो यहाँ पे स्पिन पे क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से यहाँ से अर्निंग करनी है। तो मैं करता हूँ स्पिन पे क्लिक, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐड शो होगा और ऐड देखने के बाद मैं आपको यहाँ पे मिलता हूँ कि आपने किस तरह से जो है वो अर्निंग करनी है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऐड देख लिया, ऐड देखने के बाद आपके पास इस तरह का जो है वो स्पिन नज़र आएगा स्पिनर। तो आपने सिंपली यहाँ पे स्पिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये घूमना शुरू कर देगा और जैसे ये रुकता है तो हमें पता चलेगा कि हमको जो है वहाँ यहाँ से कितने पॉइंट्स जो है मिले हैं, कितने कॉइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमें एक मिला है। तो यहाँ पे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऐड आ चुका है। तो यहाँ पे मैं ऐड को जो है वो ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है दिखाता हूँ कि आपने यहाँ पे किस तरह से जो है वो अर्निंग करनी है। बाकी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम दोबारा यहाँ पे करते हैं क्लिक और यहाँ पे स्पिन वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पिनर जो है वो घूम रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जैसे ही रुकता है कि हमें कितने जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे चार देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड टू वैलेट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड आ चुका है। तो यहाँ पे ऐड देखने के बाद मैं आपको जो है मिलता हूँ दोबारा। तो ठीक है दोस्तों, एक था ये तरीका कि आप यहाँ पे स्पिन करके जो है वो अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका यहाँ पे आपको मिल रहा है स्क्रैच का, ये वाला। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ऐड आ गया है। तो यहाँ पे ऐड हो चुका है ख़त्म, मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रैच का ऑप्शन आपके पास आ गया है। तो मैं यहाँ पे स्क्रैच करता हूँ, ठीक है। आपने इस तरह से स्क्रैच करना है जिस तरह जो है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस इसी तरह से आपने जो है स्क्रैच करके यहाँ से जो है अर्निंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको स्क्रैच कर रहा हूँ, तो जैसे ये स्क्रैच पूरा होगा तो यहाँ पर हमें अर्निंग अपनी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐड टू वैलेट यहाँ पर क्लिक करना है हमने, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दो तरीके थे, यहाँ से हम जो है स्क्रैच वगैरह और यहाँ पे स्पिन वगैरह करके यहाँ से अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको तीसरा तरीका बता देता हूँ। तीसरा तरीका हमारे पास ये वाला है पड़ा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैच थ्री, यहाँ पे आप अगर तीनों जो है यहाँ पे मैच कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 10 कॉइन मिलेंगे, और अगर आप दो मैच करते हैं तो 5 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर मैच हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको कॉइन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो मिल चुके हैं, तो एक नहीं मिला, ठीक है, मतलब तीन नहीं मिले। यहाँ पे हमारे पास 5 कॉइन आ गए। यहाँ पे हम एक को ऐड टू वैलेट करते हैं, ऐड टू वैलेट करने के बाद यहाँ पे फिर से एक ऐड शो हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा है यहाँ पे ऐड आएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो आपको अर्निंग होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड को ख़त्म करता हूँ, ऐड को ख़त्म करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे विड्रॉल किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे विड्रॉल लगाने के लिए यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, बैक करने के बाद आपके पास यहाँ पे लास्ट पे ऑप्शन नज़र आ रहा है एक माई वैलेट का, ठीक है। तो यहाँ पे माई वैलेट पे आपने क्लिक कर देना है। माई वैलेट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने अपने कॉइन इंटर करने हैं कि कितने कॉइन आपके पास हो चुके हैं, और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना विड्रॉल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अभी 80 कॉइन है, तो यहाँ पर जैसे ही आपके पास यहाँ पे 500 कॉइन जो है हो जाएंगे, ठीक है, 500 कॉइन जैसे ही होंगे तो आपने यहाँ पे 500 कॉइन लिख के यहाँ पे सबमिट पर कर देना क्लिक, और आपका जो है विड्रॉल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इस ऐप को जो है इंस्टॉल कहां से करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपने सिंपली जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहां पे सर्च बार में टाइप करना है यहां पे स्पिन टू विन अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है, स्पिन टू विन अर्न मनी ऑनलाइन। यहाँ पे आपने इसको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ऐप देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिन टू विन रियल मनी, यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा जो है वो गलत लिख दिया था, इसलिए नीचे ज़्यादा ऐप आ गई है। तो यहाँ पे मैं आपको सही जो है वो लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने लिखना है स्पिन टू विन रियल मनी, ठीक है, ये वाली स्पिन टू विन रियल मनी। ये जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास तीसरे नंबर पर ये वाली ऐप आ जाएगी। तो सिंपली आपने इस ऐप को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये जो है यहाँ पे आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, और यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यही इंटरफेस आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं हम अपने अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।